हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो एक कमेंट को लेके ना, इस वक्त मैं देख रही हूँ कि निके के कमेंट सेक्शन से लेकर बहुत सारे कमेंट सेक्शन में भूचाल मचा हुआ है, और मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने अभी तक वो कमेंट नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं वो कमेंट अब आप लोगों के सामने पढ़ूंगी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि जब फर्स्ट टाइम एज एन ऑडियंस हम वो कमेंट पढ़ेंगे तो मेरे दिमाग में वो कमेंट पढ़ के क्या आता है। यकीन मानना, मैंने अभी तक वो कमेंट नहीं पढ़ा है। मैं बात कर रही हूँ अलका के कमेंट की, जिस कमेंट की वजह से उनके कमेंट सेक्शन में उनको लोगों ने ट्रॉल करना शुरू कर दिया है। मुझे बिल्कुल नहीं पता, मेरे को बस अभी कुछ सब्सक्राइबर की वजह से ये चीज़ें पता चली। जब मैंने ये वीडियो डाली, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आए, उसके बाद मैंने कमेंट चेक करा और मैंने सबसे पहले वो कमेंट अपने पास रखा है और मैं आप लोगों के सामने वो कमेंट पढ़ूंगी, ताकि मैं देखना चाहती हूँ फर्स्ट टाइम पढ़ के मेरे को उस कमेंट के बारे में मेरे दिल से क्या रिएक्शन आता है या मैं क्या सोचती हूँ। मैं एक बात जान चुकी हूँ कि सारी कॉन्ट्रोवर्सी जानबूझकर क्रिएट की जाती है, इतना तो समझ में आ गया है, और इसको बोलते हैं सुख रोगवा। मेरी बात आज बहुत लोगों को बुरी लगेगी, पर सच बोलने की आदत है। चाटुकारिता आती नहीं है क्योंकि मैं स्वच्छंद महिला हूँ। मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, जो शब्द अलका जी यूज़ करती हैं शायद वो शब्द मैं नहीं यूज़ कर पाऊँ, बट आप लोग एडजस्ट करिएगा। कई दिन से देख रही हूँ, सिर्फ फैमिली कॉन्ट्रोवर्सी करके लोगों को फूल बना रहे हैं, कुछ नहीं। रोज़ कुछ भड़काऊ टाइटल डालकर ताकि लोग देवरानी जिठानी के नाम पर एक्साइटेड रहें, वरना कोई ऐसी बात नहीं है। दुनिया की हर देवरानी जिठानी में यही हाल है, मेरी भी है, और रोज़ एक ही ड्रामा। शिट, निक्कू अपना काम करो, क्योंकि और पब्लिक जान गई है सब कुछ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, और अगर कॉन्ट्रोवर्सी ना हो तो काम ही नहीं चलेगा। बहुत बुरा लगा कि घर में पूजा है और रोज़ नया नया ड्रामा। अरे शांति से कोई काम नहीं करने दिया जा सकता। एक कहावत है कि अगर किसी की आपसे बात ना बने तो सिंपल सा उसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते, और सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी करना है और व्यूज़ लेना है, सबका अपना अपना टारगेट जो है। सो क्योंकि ये कमेंट जो है ये पब्लिक कमेंट है, तो इस कमेंट पे पर्टिकुलरली मैं रिएक्शन देना चाहूँगी। मैंने यहाँ पे जब ये कमेंट देखा और उस कमेंट के बाद मैंने ये देखा कि अलका को इस चीज़ के लिए ट्रॉलिंग का सामना करना पड़ रहा है, तो मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइए कि इस पूरे कमेंट में अलका ने किसी के लिए बुरा या किसी के लिए अच्छा कहाँ बोला है। सबसे पहले, एक यूट्यूबर होने से पहले हम एक ऑडियंस हैं, और ऑडियंस रिव्यू पे सारी चीज़ें चलती हैं। एक प्रोडक्ट भी जब आप एडवर्टाइज़ करते हो ना, तो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले आप ऑडियंस रिव्यूज़ पे ज़रूर ध्यान देते हो, क्योंकि ऑडियंस किसी की खरीदी भी नहीं होती है। ऑडियंस अपने व्यूज़ रख सकती है, और एक ऑडियंस होने के नाते अलका भी निकी की एक टाइम पे फ़ैन थी, जो वो खुद अपने मुंह से बोलती हैं कि वो उनके व्लॉग फॉलो करती थी, इनफैक्ट करती होंगी भी। तो व्लॉग जब हम सब किसी के फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करती हूँ, मेरा तो इनफैक्ट काम है सबके व्लॉग फॉलो करना, क्योंकि मैं उन व्लॉग के बेस पे ही रिएक्ट करती हूँ। तो मैं भी फॉलो करती हूँ और मैं भी इनकी फॉलोवर हूँ, इनकी एक ऑडियंस हूँ। तो इनके व्लॉग को देख के, सुन के, जो मेरे मन में आएगा, जो मेरा दिल करेगा, वो चीज़ें मैं बोलूँगी ना। अब इस इतने से कमेंट पे अलका को ट्रॉल करने का रीज़न, जस्ट बिकॉज उसने ये चीज़ बताने की कोशिश करी है कि कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट अननेसेसरली हो रही है। कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने का कोई मुद्दा नहीं है। इस वक्त आप क्या बोलोगे? एक के घर पे पूजा चल रही है, वो अपनी पूजा की प्रिपरेशन कर रही है, उसका किसी चीज़ पे ध्यान नहीं है, और दूसरी तरफ उसी के घर की पूजा को लेके मुद्दा बन रहा है, तो क्या ये कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, ये फील नहीं हो रही है? ये हर किसी को हो रही है। सेम चीज़ें अलका को भी फील हुई, और अलका के अंदर ये चीज़ है कि जब उसे जो चीज़ गलत लगती है वो उस चीज़ के लिए बोलती है, सामने वाला भला माने या बुरा माने। मेरे भी अलका से बहुत मतभेद होते हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हमारे थॉट्स एक दूसरे से मैच करें। कभी जो चीज़ मुझे सही लगती है, कभी उन्हें वो गलत लगती है, कभी उनको जो गलत लगती है वो मुझे सही लगती है, क्योंकि हम दोनों अपने अपने थॉट्स के मालिक हैं। लेकिन उन्होंने आज सिर्फ अपना एक थॉट यहाँ पे दिखाया है, जो कि इनका ही नहीं, मैक्सिमम ऑडियंस का है।
मैक्सिमम ऑडियंस यही सोच रही है जो इन्होंने अपनी कमेंट सेक्शन में कमेंट किया। लेकिन उसके बाद अगर आप किसी को ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हो कि आप यहाँ पे गलत जा रहे हो, तो वहाँ पे आप गलत कैसे हो? मेरे को तो ये पता है कि जब कोई हमारा जिगरी यार होता है या जब कोई हमारा वेल विशर होता है तो वो कभी भी हमें हाँ 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 नहीं करेगा। वो कभी भी हमारी चाटुकारिता, मैंने ये वर्ड अब नया सीखा है, वो कभी भी हमें हमेशा पैम्पर नहीं करता रहेगा। वो हमें हमारी गलतियाँ बताने की भी हिम्मत रखेगा, वो हमें सही करने की भी हिम्मत रखेगा, वो हमें करेक्ट भी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि करेक्शन की ज़रूरत हर किसी इंसान को होती है। हर इंसान परफेक्ट नहीं है, गलतियां हर कोई करता है, और सच्चा वेल विशर वही होता है जो हमें हमारी गलतियों का एहसास करवाए कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, आपको यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन आप अंधभक्तों की तरह जो लोग करेक्ट करने की कोशिश करते हैं उनको आके अगर आप ट्रॉल कर रहे हो तो फिर आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, जिनके आप सपोर्टर बन रहे हो आप शायद उन्हीं का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि उन्हें ये चीज़ कभी रियलाइज़ नहीं हो पाएगी, और अगर उन्हें चीज़ें रियलाइज़ नहीं होंगी तो उनकी लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं रह पाएगी। ये सिर्फ वन साइडेड कॉन्ट्रोवर्सी थी पिछले 3-4 दिन से, वन साइडेड बिकॉज दूसरी तरफ से ज़ीरो अटेंशन, ज़ीरो बॉदर और वन साइडेड सब चीज़ें चल रही थी। चलिए पहले तो वीडियो के टाइटल तक की बात ठीक थी, देवरानी का नाम का टाइटल ओके नो प्रॉब्लम, उसके बाद फंक्शन में ना जाने का ओके नो प्रॉब्लम, फिर कमेंटबाजी ओके नो प्रॉब्लम, फिर कम्युनिटी तक छाप दी। तो आप बताइए कि यहाँ पे कोई भी इंसान क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि हम पर्सनली बहुत लोगों को पसंद करते हैं, हमारे पर्सनली बहुत लोगों से अच्छे टर्म होते हैं, लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे आते हैं तो यहाँ पे भी हमारी एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है हमारी ऑडियंस के साथ हमारी वफादारी। आप चाहेंगे कि हम ऑडियंस की नज़र में इस चीज़ से फेमस हो कि अरे ये बंदा सही हो चाहे गलत हो, लेकिन हम तो अंधे सपोर्टर हैं, हम तो इनके अंधे सपोर्टर हैं क्योंकि ये इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। जी नहीं, आप सपोर्टर मत बनिए, आप सही गलत की परख करना सीखिए, क्योंकि वही आपको इंसान बनाता है। हर किसी के अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं होती, हर किसी के अंदर सच्चाई बर्दाश्त करने की भी हिम्मत नहीं होती। कम से कम सच बोला उसने, जबकि वो बहुत अच्छे टर्म्स में है उनके साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने सच बोला, लेकिन सच में उन्होंने किसी के डिसरिस्पेक्ट नहीं करी, सिर्फ अपने एंड पे ये समझाने की कोशिश करी है कि ये उनका नज़रिया है, कि उन्हें ये लग रहा है कि ये कॉन्ट्रोवर्सी अननेसेसरली क्रिएट करी जा रही है। एग्जैक्टली, हम सब एक फैमिली से आते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसके घर में देवरानी जिठानी ना हो, जितने भी मैरिड लोग हैं। मैंने खुद बताया कि हम खुद तीन देवरानी जिठानियाँ हैं, हर कोई एक फैमिली से आता है, लेकिन हमारी फैमिली की बातें मजाल है, मजाल है कि हमारी फैमिली की बातें हमारे दरवाज़ों से बाहर भी चली जाए। हर जगह पे कंपटीशन होता है, हर जगह पे थोड़ा सा कोई ऊपर थोड़ा सा कोई नीचे होता है। चलो मैं अपना एक एग्जांपल आप लोगों के लिए लेती हूँ, बाहर क्या ही जाना, मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, मतलब मैं सब देवरानी हूँ, मेरी दोनों जिठानियाँ हैं। जब सबसे बड़ी जिठानी की शादी हुई उस टाइम पर एक फ़ैशन अलग था, उस टाइम पे फिनेंशियल कंडीशन फैमिली की अलग थी, उस टाइम पे अर्निंग अलग थी, तो उनकी शादी उस तरीके से हुई, उनको उस तरीके से चीज़ें दी गई। फिर सेकंड नंबर की जेठानी आई, उनके टाइम पे थोड़ी सी चीज़ें अपडेट हुई, घर की फिनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी स्ट्रांग हुई, उनकी शादी उस तरीके से हुई। जब मैं घर में आई तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सेटल थी, फैमिली बहुत अच्छे से सब कुछ था, तो मेरी शादी उस हिसाब से हुई। अब क्योंकि मेरी और मेरी सबसे बड़ी जेठानी की शादी में चीज़ों में आओ भगत में समान में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, तो इस वजह से अगर वो मेरे से चिढ़ने लग जाएं या मैं उनसे चिढ़ने लग जाऊं तो ये कोई तुक नहीं बैठता। और अगर हमारे अंदर 1% ये फीलिंग है भी, 1% ये फीलिंग है भी, एक चीज़ और बताती हूँ आपको, मेरे सास ससुर मेरे इन लॉज के सामने मैं बहुत फ्रीली रहती हूँ, मतलब मेरे ऊपर कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आप कभी मेरी जेठानी कभी मौका लगा कभी टाइम लगा या कभी मैंने व्लॉगिंग के बारे में सोचा तो मैं बताऊँगी कि उनकी और मेरी पर्सनालिटी में आपको चेंजेस नज़र आएंगे। वो चुन्नी ओढ़ना, सूट प्रॉपर पहनना, सर पे चुन्ना दुपट्टा लेना, ये सब चीज़ें फॉलो करती हैं, लेकिन मेरे आने आने तक मैंटालिटी चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो गई। और मैं जितनी फ्रीली बात करती हूँ, मैं आराम से बैठती हूँ उनके साथ बात करती हूँ, मेरे पहनावे में बहुत अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि मेरी जेठानी को मेरे से शिकायतें हो जाएंगी? अगर होंगी भी, 1% अगर होंगी भी, काम के लिए भी बता देती हूँ कि वो काम काज में बहुत प्रो हैं,
बहुत प्रो हैं वो कामकाज में, और मैं उतनी ही कामकाज में जो है मैं बाकी चीज़ों में, हर किसी इंसान के अंदर सेम क्वालिटी नहीं होती, वो घर के कामकाज में बहुत ज़्यादा निपुण है और मेरा जो फोकस था वो प्रोफेशनल लाइफ को लेके, अपनी स्टडीज़ को लेके, मैं लाइफ में उन चीज़ों को लेके ज़्यादा इन्वॉल्व थी। तो वो चीज़ें भी हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन डिफरेंसेस का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं या हम एक दूसरे की बेइज्जती करें। घर में सबको सबसे शिकायत होती है, हो सकता है उन्हें भी मुझसे होती हूँ, मुझे भी उनसे होती हूँ, मुझे भी उनका कुछ तरीका पसंद नहीं है, लेकिन हमारे घर की बातें ना तो दरवाजे से बाहर जाती हैं, और आई गारंटी ना ही वो कभी सोशल मीडिया, तो बहुत दूर की बात है, ना ही वो कभी सोशल मीडिया पे आ सकती हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे घर की वो इज्जत है। आज अगर हम बहू होने के नाते इस घर की इज्जत खराब करेंगे तो हम किस मुंह से किसी दूसरे घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए लाएंगे, या हम किस मुंह से अपने घर की बेटी को विदा करेंगे। दुनिया देख रही है कि अरे ये ऐसी फैमिली जिनके घर में रोज़ आए दिन झगड़े होते हैं, अरे ये ऐसी फैमिली, ये तो बहू को कुछ नहीं समझती, ये तो देवरानी जिठानी ऐसा करती है, ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है। भले ही आप आज ये सोच रहे हो कि हमें इतना ग्रोथ मिल रहा है, हमें इतने सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, पर ये सब्सक्राइबर ज़िंदगी नहीं है। सोशल मीडिया का नेम फेम टेम्पररी होता है, उसके बाद आपकी जो पर्सनालिटी होती है, आपकी जो इज्जत होती है, वो आपकी रियल लाइफ होती है इस रियल लाइफ के अलावा, और उस रियल लाइफ में आप जो गंवा चुके होते हो ना वो आप दोबारा कभी अर्न नहीं कर पाओगे। मे बी सोशल मीडिया पे आप बहुत पैसा कमा लोगे लेकिन इज्जत आप वापस नहीं कमा पाओगे। तो उन्होंने भी वही बात बोली कि हमारे भी घर पे है, आपके भी होंगे, सबके होंगे, लेकिन हमारे घर पे ये चीज़ें नहीं होती। किसी के घर की गृह प्रवेश की पूजा है और उस पूजा में दूसरी साइड में एक अलग कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, ये मैटर नहीं लेके आना चाहिए था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सरल साधारण शब्दों में आके पीछे से बात नहीं करी, वो चाहती तो पीछे से भी बोलती, उन्होंने फ्रंट पे आके चीज़ें लिखी हैं। और जो इंसान मुंह पे बोलने की अब पब्लिकली लिखने की हिम्मत रखता है ना, वो कभी भी चालबाज नहीं होता है। मुझे आज भी याद है कि जिस समय इनकी कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, उस समय मैं जब निकी के लिए सपोर्ट कर रही थी, उस समय अलका जो है वो उनका सपोर्ट कर रही थी, तो हम दोनों जब भी बात करते थे तो हम यही बोलते थे यार इनका पैचअप कैसे कराएं। उसने हमेशा ये इंटेंशन रखी है कि दोनों का पैचअप हो जाए, मैंने हमेशा ये इंटेंशन रखी है कि दोनों का पैचअप हो जाए, बट पैचअप कैसे होगा? पैचअप तब होगा ना जब ये खुद उस पैचअप को करना चाहेंगे, पैचअप तो तब होगा, लेकिन वो पैचअप तब तक हो ही नहीं सकता जब तक ये खुद नहीं करना चाहेंगे। आप, मैं या दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद एक कमेंट करने के बाद सीधा अलका पे आरोप लगाया जा रहा है कि उसने कंट्रोवर्सी करवा दी, वो घर बिगाड़ रही। भैया कोई भी यहाँ पे दूध पीता बच्चा नहीं है, बच्चों की माएँ हैं वो किसी के बहकावे में आके अपना घर बर्बाद कर देंगी? नहीं। कभी कमेंट्स करने वालों के ऊपर आरोप आ जाता है, कभी वीडियो बनाने के ऊपर आरोप आ जाता है। क्या वीडियो बनाने वालों से या कमेंट करने वालों से अलका से पूछ के वो अपना कंटेंट डालते हैं कि अलका आज मैं ये कंटेंट डालने वाली हूँ, बताओ क्या मैं ये लिख दूँ? अलका से पूछ के कोई डालता है? जब अलका से पूछ के, मेरे से पूछ के या कमेंट्स करने वालों से पूछ के कोई भी कंटेंट नहीं डाला जाता तो फिर ब्लेम दूसरे का क्यों है? हमें जो दिखेगा सोशल मीडिया पे एटलीस्ट हम वो बोलने की हिम्मत रखते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आपने रिश्ते को, पर्सनल रिश्ते को साइड रखा, और सोशल प्लेटफॉर्म एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। वो अलग बात है कि इन व्लॉगर्स ने ना प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म की भी धज्जियाँ उड़ाई हुई है। इन लोगों को आज तक पर्सनल और प्रोफेशनल के बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो समझ में ही नहीं आया। काश कि वो समझ में आ जाता तो आज इतनी ज़्यादा लीचड़पंथी नहीं होती यहाँ पे, फ्रेंकली स्पीकिंग। अगर ये समझ में आ जाता कि YouTube एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ से हमारी अर्निंग होती है उस जगह को हम एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म बोलते हैं, वो हमारी पर्सनल लाइफ नहीं होती है, तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए, लेकिन ये डिफरेंस नहीं पता है। लेकिन अलका ने पर्सनल रिश्तों को साइड रख के, जो भी उनके अच्छे टर्म्स उनके साथ रहे होंगे, उनको इस समय जो चीज़ दिखी एटलीस्ट उन्होंने बोलने की हिम्मत करी, और वो चीज़ें पीछे से नहीं बोली, फ्रंट पे आके समझाने की कोशिश करिए। अब उस पे लोग उन्हें गलत समझें, क्योंकि जिन लोगों ने जो समझना है देखिए वो लोग गलत समझेंगे ही, और इन्हीं लोगों की वजह से शायद अभी तक जिठानी जी अपने अंदर करेक्शन नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, और वो सपोर्ट वाले लोग ये नहीं समझ पा रहे कि आपके अंधे सपोर्ट की वजह से वो एक गलत डायरेक्शन में जा रही है। आप लोग उन्हें सपोर्ट करते हो इस चीज़ के लिए कि कॉन्ट्रोवर्सी करो, आप लोग ये सपोर्ट करते हो कि वीडियो बनाओ, आप लोग ये सपोर्ट करते हो कि मत जाओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत गंवाओ, मत ये करो, मत वो करो, लेकिन आप उनके फिर वेलविशर नहीं है। आप उन्हें ये गलत ट्रैक में भेज रहे हो, क्योंकि आप लोगों की ये सजेशन उनके ज़िंदगी में काम नहीं आएंगे। उनकी ज़िंदगी में काम उनके अपने खुद के ये रिश्ते आएंगे, और यही लोग आएंगे जिनकी लिए आप उनके बीच में दूरी डेवलप करने का
काम तो क्या ही बोलूँगी, जैसे कि बच्चा कोई नहीं है, आप लोग सजेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे सजेशंस प्लीज़ मत दो। और कोई इंसान अगर कुछ बोल रहा है तो उसकी बात को अंडरस्टैंड करो, ये नहीं बोलो कि आपकी वजह से ये हो रहा है, आपकी वजह से ये हो रहा है। तो चलो, अच्छी बात है कि अलका ने कहानी का एक दूसरा साइड देखा, एक दूसरा पहलू देखा और उस पर जो है आके बात करी। मुझे अच्छा लगा क्योंकि हम एक न्यूट्रल ऑडियंस है। हम फ्रेंकली स्पीकिंग जब इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, कैमरा फेस करते हैं, तो हम किसी के सपोर्टर की तरह यहाँ नहीं आते। ये हो सकता है कि हमारे विचार एक दूसरे से अलग हों, लेकिन हम किसी के सपोर्ट में यहाँ नहीं आते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपनी बात बोली, मुझे ठीक लगा, और ये बात मुझे ही नहीं मैक्सिमम जनता को ठीक लगी है। तो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में आप भी बताना, आपने भी वो कमेंट पढ़ा होगा। एक न्यूट्रल ऑडियंस होने के नाते देखना, किसी के सपोर्टर होने के नाते मत देखना कि उस कमेंट में ऐसी क्या गलत चीज़ थी कि जिसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा ट्रॉल किया जा रहा है, कि उनको रिश्ते याद दिलाए जा रहे हैं, उनको बोला जा रहा है कि तुम्हारा कुछ काम नहीं बना होगा उनसे, इसीलिए तुमने ये कर दिया होगा। किसी को भी किसी से काम मांगने की आज की डेट में ज़रूरत नहीं है। हर इंसान अपने आप में सक्षम है, टैलेंटेड है, अपने पे आए ना तो क्या कर सकता है, अपने पे आए तो क्या कर सकता है। लेकिन हर इंसान का एक ही काम नहीं होता, हर इंसान के पास उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं। व्लॉगर्स की ज़िंदगी में इनकी यही प्रायोरिटी है क्योंकि इनका यही काम है, लेकिन हर काम हर इंसान का नहीं होता है। तो जो इंसान अगर एक बार टूट पड़ा ना कि मुझे कुछ करना है, तो वो अचीव भी कर लेगा। किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान के अंदर टैलेंट है, बस ज़रूरत ये है कि वो उस चीज़ के ऊपर कितना डिवोटेड है, उसकी कितनी नीड है। जिस दिन उसकी वो ज़रूरत बन जाएगी ना, उस दिन उसको भी ऊपर उठने से कोई रोक नहीं सकता। और जितनी किसी को किसी की ज़रूरत होती है ना, उतनी ही सामने वाले को भी आपकी ज़रूरत होती है। तो ज़रूरत हर को, हर किसी को, हर किसी की होती है, और वो ज़रूरत किसको कब हुई है वो सबने देखा है। बाकी किसी को यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में सब सक्षम है, अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया है, इसको सोशल मीडिया पे प्रोफेशनल लाइफ की तरह लीजिए, पर्सनल लाइफ को इससे अलग रखिए। मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से। तो ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।